नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक सागर, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि बहुत ही अंडररेटेड है। एक ऐसी टेक कंपनी जिसने बहुत कुछ दिया है टेक्नोलॉजी को, लेकिन ज्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते। मैं बात करने वाला हूं सोनी कंपनी की। जी हाँ, सोनी कंपनी जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बनाती है, दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके बारे में हम जानते नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ जो सोनी ने हमें दी है वो है 3.5 mm का जैक, जो कि सारे मोबाइल फोन्स में अभी देखने को मिलता है। जो हेडफोन लगाने का जो जैक है ना, जो 3.5 mm वाला है, वो दरअसल सोनी की ही देन है। सोनी ही सबसे पहले मोबाइल फोन्स में या अपने डिवाइसेस में उस हेडफोन जैक को लेकर आया था, और आज देखेंगे कि जितने भी फोन की कंपनीज हैं वो सभी इस हेडफोन जैक को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन सोनी सबसे पहले लेकर आया था और ये सोनी की ही देन है। ज्यादातर लोग इसे नहीं जानते। आपने ब्लू रे डिस्क का नाम सुना है। ये वो डिस्क हुआ करती थी जिसमें पहली बार HD मूवीज देखने को मिला करती थी। बहुत सारी मूवीज आ जाया करती थी और हाई क्वालिटी की मूवीज आ जाया करती थी। तो ये जो चीज है ये भी सोनी लेकर आया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे CD कहा जाता है, DVD और DVD प्लेयर, ये सबसे पहले सोनी ही मार्केट में लेकर आई थी। सबसे पहले अगर कोई दुनिया में इंट्रोड्यूस कराने वाली कंपनी थी वो सोनी कंपनी थी, और ज़्यादातर लोग इसे नहीं जानते। CD और DVD का ज़माना जा चुका है, लेकिन आज भी प्रोजेक्ट वगैरह जमा करने के लिए CD DVD की ज़रूरत पड़ती है, मूवीज़ वगैरह देखने के लिए या वीडियो गेम्स आप तक पहुँचते हैं CD की मदद से। तो ये जो CD और DVD का जो सीन है भाई, DVD प्लेयर का भी जो सीन है, वो सबसे पहले दुनिया में सोनी कंपनी ही लेकर आई थी, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं जानते। अब आपको लग रहा होगा कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें सोनी कंपनी लेकर आई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या लेकर आई है सोनी। iPhone 11 Pro Max, Samsung Galaxy Note 10, OnePlus 7, Pixel 3, Redmi Note 7 Pro। अब आप मुझे बोलेंगे इनके नाम क्यों बता रहे हो। मैं आपको बता दूं, इन सब के जो भी कैमराज है वो सोनी की देन है। जी हाँ, आपने ये सुना होगा कि सोनी का सेंसर है, सोनी का कैमरा, सोनी की टेक्नोलॉजी यूज हुई है, लेकिन लोग ज्यादातर इस चीज को हाईलाइट नहीं करते। सीधा ये बोल देते हैं कि iPhone 11 Pro Max का कैमरा कितना अच्छा है, Redmi Note 7 Pro का कैमरा कितना अच्छा है, Pixel 3 के कैमरे के बारे में पता है क्या क्लियरिटी है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो सोनी की यूज हो रही है। तो कहीं ना कहीं यार उसको तो थोड़ा सा क्रेडिट मिलना ही चाहिए। इन सब के जो कैमरेज हैं, जो भी अच्छे हैं, जो भी मैंने प्रोडक्ट आपको जिनके नाम बताए, इन सब के कैमरा, सेंसर या जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ये सोनी बनाता है, और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं जानते। बहुत लोग नहीं जानते इस चीज़ को। सोनी के खुद के फ़ोन इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है सोनी का, और ये जो बढ़िया बढ़िया से कैमरे आप देखते हो हाई फाई फोन्स में, ये सब सोनी की देन है, और ज़्यादातर इस चीज़ को लोग नहीं जानते। दुनिया का सबसे पहला OLED TV, OLED TV सोनी ही लेकर आया था। और जो आप स्मार्टफोन्स में 4K डिस्प्ले देखते हैं, कई बार आप ऐसा सुनते हैं कि यार इस फोन में 4K डिस्प्ले है, तो सोनी की ही देन है स्मार्टफोन्स में 4K डिस्प्ले। अगर आप कभी भी देखें यार फोन में तो बहुत क्लियर इमेज दिख रही है, वीडियो कितनी बढ़िया चल रही है, कोई बोले यार मेरी फोन 4K है, फोन की स्क्रीन 4K है, तो आपको पता चल जाएगा कि पहली 4K स्क्रीन सोनी लेकर आया था। ऐसे फोन्स जो कि अंडर वाटर भी जा सकते थे, वाटरप्रूफ थे, तो वाटरप्रूफिंग का जो कॉन्सेप्ट है मोबाइल फोन्स में, वो सोनी लेकर आया। हालांकि सोनी के फोन्स इतना अच्छा नहीं कर पाए, सोनी एक्सपीरिया, सोनी इरेक्शन या जो भी आते थे वो इतना अच्छा नहीं कर पाए मार्केट में, लेकिन टेक्नोलॉजी सोनी की बेस्ट होती है, और वो आज भी मार्केट में घर बनाए हुए हैं। दुनिया का पहला ऐसा म्यूजिक प्लेयर जो कि आपकी पॉकेट में आ सकता था, सोनी वॉकमैन। ये वो जमाना था जब बड़े बड़े म्यूजिक प्लेयर हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े म्यूजिक प्लेयर लोग अपने कंधों पर लेकर घुमा करते थे, गाने सुना करते थे, और सोनी ने इतना रेवोल्यूशनरी चेंज लाया इस पूरी टेक्नोलॉजी में कि इतना बड़ा म्यूजिक प्लेयर आने लगा जिसे आप पॉकेट में रख सकते थे और कान में गाने सुन सकते थे। तो ये पहली चीज़ थी जो सोनी लेकर आया। बाद में iPod वगैरह तो बहुत बाद में आए थे, सोनी इस चीज़ को बहुत पहले ही, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर सोनी बहुत पहले ही ला चुका था, और ये ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि सोनी ने ऐसी चीज़ भी की थी। तो अब मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ सोनी के, उसने गेमिंग की दुनिया में तबाही मचा दी। ऐसा प्रोडक्ट आज तक कभी नहीं आया, एक बेंचमार्क सेट कर दिया गेमिंग की दुनिया में। मैं बात कर रहा हूँ सोनी प्लेस्टेशन की। सोनी प्लेस्टेशन जब आया था, प्लेस्टेशन 2 आया था, तबाही मचा दी थी उसने। इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि गेमिंग पार्लर्स में आपको सिर्फ प्लेस्टेशन 2 ही दिखा करता था। हेयर कम्स द पेन, गॉड हैंड, गॉड ऑफ वॉर जैसी सीरीज ने तो मतलब क्या बताऊं मैं कितना क्रेज था, और मैं भी जाके खेलता था ऐसे गेमिंग पार्लर्स में। तो सोनी का जो प्लेस्टेशन है वो बहुत ही हिट प्रोडक्ट है, और वो अब भी कंटिन्यू कर रहा है। प्लेस्टेशन 2 आया, फिर प्लेस्टेशन 3, PS4,
अब आगे भी PlayStation आने वाला है जिसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिलेगी, मतलब पुराने गेम्स भी PlayStation के आप उसमें खेल पाओगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। तो सोनी का ये कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिए जो कि आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। इस कंपनी को बहुत ही अंडररेटेड रखा गया और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, तो मैंने सोचा कि ये मुझे बात करनी चाहिए, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सब सोनी की देन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है, आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर 299 रुपीज के 2 इथिकल हैकिंग कोर्स, नहीं 3 इथिकल हैकिंग कोर्स हो गए हैं अब तो, नया भी आ चुका है हैकस्टार्स, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको हैकिंग सीखनी है हिंदी में सिर्फ 299 रुपीज में तो आप नीचे कोर्स ले सकते हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, कोई भी सीख सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती कोई बात नहीं, आप एक हैकर बन सकते हैं, और जो मैंने कहा बन सकते हैं मेरा मतलब है बन सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।